नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज मैं लेकर के आ गया हूँ TVS का iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटर की ज़्यादा डिमांड बढ़ रही है, तो ऐसे में आप सब सोच रहे होंगे कि हमें कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, यूँ तो काफ़ी सारे हैं, चाइनीज़ भी आ रहे हैं, लेकिन आपको अगर अच्छा कोई कंपनी का ले लें तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है। अब दोस्तों इसमें क्या क्या फीचर्स हैं और कैसे आप बचत कर सकते हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। अगर मैं इसके बैटरी सेगमेंट की बात करूं तो इसकी बैटरी जो है काफ़ी बढ़िया है, और बैटरी का जो है वो है लिथियम आयन बैटरी जो है इसमें दोस्तों देखने के लिए मिलती है, और IP67 जो है मिलता है, यानी कि पानी वगैरह का इस पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। अगर फुटरेस्ट की बात करें तो दोनों फुटरेस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, साथ ही साथ में इसमें जो है इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट का सारा सिस्टम देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि इसमें डिजिटल डिस्प्ले मिल जाती हैं। अभी तक अधिकांश से जितने भी इलेक्ट्रिक स्कूटर आ रहे हैं उनमें ये सब चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी, यहाँ तक कि आपको ओला भी मिल जाएगा। लेकिन ओला में और इस TVS के इलेक्ट्रिक स्कूटर में काफ़ी सारी डिफरेंस है, वह इस वीडियो को देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें। ये दोस्तों एक फ़्लिप की है, जी हाँ दोस्तों ये फ़्लिप की है, और इसी में एक बटन का ऑप्शन जो है इसमें देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है। अब दोस्तों कीज़ काफ़ी बढ़िया है, मुझे तो देखने में काफ़ी बढ़िया लगी, और मैं आपको दिखा दूं आपको एक कीज़ कैसा लगा है और स्कूटर कैसा लगा कमेंट जरूर करना। सबसे पहले मैं ये बात कर लूँ कि इसकी 3 साल की वारंटी आती है, और इसका जो है 1 ईयर का जो है रोड असिस्टेंट आता है स्टैंडर्ड एसेसरीज के साथ में। अगर हम इसकी प्राइस करें तो इसको प्राइस की बात करें तो इस पर मिल रहा है सब्सिडी। जी हाँ दोस्तों, इसका फेम 2 सब्सिडीज़ में मिलेगा, 21,131 की छूट इस पर मिलने वाली है। अगर हम छूट की बात करें तो छूट करने के बाद में 1,41,533 का ये इलेक्ट्रिक सेगमेंट पड़ने वाला है आपको। टॉप स्पीड की बात करूँ तो कहने को तो 100 किलोमीटर की जो है टॉप स्पीड है, लेकिन 82 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हम इसमें कह सकते हैं। स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में ये आता है, और एक बार चार्ज करने पर 145 प्लस किलोमीटर के अराउंड जो है चल जाता है। दोस्तों इसकी जो बैटरी है 5 घंटे में लगभग चार्ज हो जाती है, और इसका ऑटोमेटिक पावर कट ऑफ जो है आपको निराश नहीं करेगा, क्योंकि ये ऑफ बोर्ड चार्जिंग भी सपोर्ट करता है। 15 एम्पियर का प्लग पॉइंट्स में देखने के लिए मिलेगा। साथ ही साथ में अगर मैं बात करूँ उसके इंडिकेटर्स की, तो टेल लैंप देखेंगे या फिर इसके अदर जो लैंप है वो देखेंगे तो सारे के सारे इसमें DR लैंप्स देखने के मिल जाएंगे। इंडिकेटर्स की बात करूँ तो ये आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ब्लिंक करते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। सामने देखेंगे तो इसका जो हेड लैंप है काफ़ी बढ़िया लगता है। दोस्तों ओला का देखेंगे तो ओला का जो प्राइस है लगभग जो है इससे ज़्यादा है, लेकिन ओला से इसमें क्या बेटर है वह हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि इसमें जो लिथियम की आयन की बैटरी आई हुई है 3.4 किलोवाट की है, IP67 है, वोल्टेज के मामले में 52 वोल्ट की इसको हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी सारे ऑप्शन इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, डिस्प्ले मिल जाती हैं, और डिस्प्ले के साथ साथ में कंट्रोल्स इसमें बटन से ही आपको मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं इसकी जो डिस्प्ले है वो कितने इंच की डिस्प्ले इसमें रहने वाली है। तो भाई जो डिस्प्ले का टाइप है TFT डिस्प्ले इसमें मिलेगी, 17x78 सेमी का बोल सकते हैं, और इसकी जो HMI है वो 5-way जॉयस्टिक के साथ में आती है, जिसमें डिस्प्ले का अरेंजमेंट इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। यहीं से आपको जो है सारे जो राइट हैंड साइड में देखेंगे तो वहीं पे आपको स्टार्ट का ऑप्शन जो है देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये है दोस्तों कुछ इस तरीके का हमारा। अब इसमें और क्या क्या चीज़ें मिलने वाली है, सबसे पहले ब्लूटूथ वाया मोबाइल ऐप के माध्यम से आप कनेक्ट कर सकते हैं, GMS कनेक्टिविटी मिल जाएगी, OTA कनेक्टिविटी मिल जाती है, एंटी थेफ्ट अलर्ट भी इसमें देखने के लिए मिलेगा, बूट स्पेस काफ़ी बढ़िया है इसमें। वैसे तो बताया जाता है कि 2 हेलमेट इसमें रख सकते हैं, लेकिन इसमें चार्जिंग पॉइंट का ऑप्शन भी इसी के अंदर इंक्लूडेड मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, 2 हेलमेट बड़े ही आराम से इसमें रख सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है। लाइव लोकेशन, जियो फेंसिंग इसमें मिल जाएगी, पार्किंग ब्रेक लीवर भी इसमें उपलब्ध है। अब बात कर लेते हैं इसके हेडलैम्प की, तो हेडलैम्प इसका LED है, टेल लैंप भी LED है, और नंबर प्लेट लैंप भी इसमें देखने के लिए मिल जाएगा, सिग्नेचर पोजीशन लैंप भी इसमें देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अगर बात कर लेते हैं हम इसके सस्पेंशन की, तो इसमें हाइड्रोलिक ट्विन ट्यूब शॉक एब्जॉर्बर देखने के लिए मिलता है। बात कर लेते हैं ग्राउंड क्लियरेंस की, तो ग्राउंड क्लियरेंस इसका में 157 mm का है, सीट हाइट 770 की जो है सीट हाइट है, और व्हील बेस इसमें है 1301 mm का,
इसमें जो है व्हील बेस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा दोस्तों मोटर की। जी हाँ दोस्तों, इसमें अगर इसकी जो अगर ओला से मैं बोल रहा था तो इसमें मोटर की बात देखें तो BLDC हब माउंटेड इसमें मोटर देखने के लिए मिलेगी। सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया मिलेंगे और बिल्ड क्वालिटी के मामले में काफ़ी बेटर है। जैसा कि मैंने जो जिन्होंने इस स्कूटर को लिया मैंने उनसे बात की है तो उन्होंने बताया कि काफ़ी हद तक मजबूती के मामले में काफ़ी बढ़िया है। और इसमें इसमें अगर सस्पेंशन देखेंगे तो ट्विन सस्पेंशन जो है इसमें देखने के लिए मिलेंगे। गार्ड भी मिल जाते हैं इसमें, ये तो आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इसकी हम बात कर लेते हैं पीक पावर की, तो 4.4 किलोवाट की पीक पावर मोटर्स जनरेट करती है, ठीक है। रेटेड है 33 Nm का और पीक टॉर्क की बात करें तो 140 Nm का जो है टॉर्क इसमें जनरेट करती है। लिथियम बैटरी है, ये मैंने आपको दोस्तों बता ही दिया। अधिक जानकारी के लिए दोस्तों कमेंट अवश्य करें। थैंक यू।